नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपको इंतजार होगा अपनी राशियों के बारे में जानने का। 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक आपकी राशियां क्या कहती हैं, जानेंगे हम गीतिका जी महाजन जी से, जो टैरोट रीडर के साथ साथ हीलर भी हैं। तो इस हफ्ते गीतिका जी महाजन एरीज, टॉरस और जेमिनी के लिए क्या कहती हैं, जानते हैं उन्हीं से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं गीतिका जी महाजन, आपकी टैरो कार्ड रीडर, आज आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज द टैरो मिस्टिक्स चैनल। आज हम क्या लाए हैं इस हफ्ते 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल हमारी भविष्यवाणी में टैरो हमें क्या क्या गाइडेंस दे रहे हैं, चलिए आज देखते हैं। हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि के साथ। एरीज वालों के लिए आप जो भी कोई काम करेंगे, आप पाएंगे कि उसमें आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस आया है। इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल तो आप अपने घर का भी ध्यान रखेंगे और अपने प्रोफेशन में भी बहुत सक्सेस पाएंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू जॉब, अ न्यू बिजनेस, या आपने कोई नया लाइफस्टाइल चूज करना है, या शादी करनी है, या रिलेशनशिप शुरू करना है, देन इट्स ऑल्सो अ परफेक्ट टाइम फॉर यू। ये एक टाइम आ गया है जब आप अपने ओल्ड हैबिट्स को ब्रेक कीजिए। आप बोलिए कि आई विल नॉट बी अ विक्टिम टू माई सर्कमस्टांसेस, बट आई विल क्रिएट न्यू सर्कमस्टांसेस। हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? जब हमें कोई चैलेंजेस आते हैं और हमारे रिएक्शंस पहले से थोड़े डिफरेंट होते हैं, मोर विजडम से भरे हुए होते हैं और मोर कन्विक्शन के साथ होते हैं कि इसको तो मैं पार कर ही लूँगा, ये तो बहुत बार आया, बहुत बार चला गया, अब हम थोड़ा इसको एक डिफरेंट तरीके से हैंडल करेंगे। आप देखेंगे इससे कैसे पैटर्न्स ब्रेक होते हैं। अब हम देखते हैं टॉरियंस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। अगर आप घर में कोई रेनोवेशन करना चाहते हैं, इट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर दैट। अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं रिलेटेड टू चिल्ड्रन, इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। अब ये है कि आप एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे सिर्फ आप अपनी मदद कर सकते हैं। आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके गुरु आपको गाइडेंस दे रहे हैं, पर आपने वो जो एक स्टेप है आगे बढ़ने का खुद से लेना है। और आप देखोगे अगर आप ऐसा करते हैं तो कैसे सडनली ये सिचुएशन जो नेगेटिव चल रही है उसी में इतना कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाएगा और ये पूरे सिचुएशन को 180 डिग्रीज में पॉजिटिवली बदल देगी। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनीज के लिए यू आर स्टक इन अ रट। इसका मतलब ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन में थोड़े से बहुत ही कंफर्टेबल हो चुके हैं, सो यू हैव टू मेक सम एफर्ट्स टू गेट आउट ऑफ इट, डू समथिंग डिफरेंट, टेक अ रिस्क, गो आउटसाइड। आप एक अपने करियर में, प्रोफेशन में, फैमिली लाइफ में बहुत अच्छे पोजीशन पे है, बट यू हैव दिस कांस्टेंट फियर इन द माइंड कि कल को कोई इसको तोड़ ना दे, जैसे कोई ब्लैक मैजिक ना हो जाए, या प्रोफेशनली कहीं मैं गड़बड़ ना कर दूँ, कोई मुझे ओवरटेक नहीं करे। दिस इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। आप अपने आप को चैलेंज करते रहिए, अपने आप से कॉम्पिटिशन करते रहिए और आप देखेंगे कि आप अपने से ही ज्यादा बढ़ के आगे गए हैं, एंड यू विल ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड्स ऑल्सो। कैंसर, लियो, वर्गो, इन राशियों का क्या रहेगा 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक का हाल, जानते हैं गीतिका जी महाजन से। अब हम देखते हैं कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए इफ यू हैव सम प्लान्स टू ट्रैवल, डू अ सोलो ट्रैवल अपने किसी रिसर्च के लिए, और यू वांट टू सी सम एरिया, यू वांट टू डिस्कवर अनडिस्कवर्ड प्लेसेस इन इंडिया और अब्रॉड, इट इज अ वेरी गुड टाइम टू डू दैट। आप एक रिस्क लेना चाहते हैं, एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई वेंचर शुरू करना चाहते हैं, यू डोंट नो एग्जैक्टली कितना रिस्क होगा, यू डोंट नो कितना गेन्स भी होगा, बट यू फील इंट्यूटिवली टू गो फॉर इट, डेफिनेटली गो फॉर इट। यू हैव द फुल सपोर्ट ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड इट्स अ वेरी गुड आइडिया जो अच्छी तरह मटीरियलाइज हो जाएगा। बट बिफोर यू जंप इन टू इट, यू मस्ट ऑल्सो डू लिटिल रिसर्च ऑन द ऑप्शन दैट यू हैव। जैसे कहते हैं ना, जो चीज़ चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता है, सो डू अ लिटिल मोर रिसर्च, try to find more information, take some time before you make a decision, and you will definitely make the wise decision. अब हम देखते हैं लियो, डॉक्टर सिंह राशि वालों के लिए। लियो वालों के लिए इफ देर इज अ कोर्ट केस, अ लीगल सेटलमेंट टू हैपन, इट विल डेफिनेटली हैपन इन योर फेवर। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं जिसमें बच्चे इन्वॉल्व है, या अपने बचपन के फ्रेंड्स के साथ कोई ज्वाइंट वेंचर करना चाहते हैं, इट विल ऑल्सो बी अ गुड टाइम। डेफिनेटली इस वीक में आपने कुछ हार्ट ब्रेक्स एक्सपीरियंस किए होंगे, आपको लगा होगा कि कई लोगों की जेलसी भी आपकी तरफ आ रही है, पर नेवरदलेस यू आर अ ब्राइट शाइनिंग सन। चाहे कोई भी कुछ कहे, यू ऑलवेज एमिट लाइट। ऐसे ही आप प्यार में सबको अब सामने आते आते प्यार दीजिए, दुआएं दीजिए, और आप देखेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके घर में कितनी प्रॉस्पेरिटी आती है।
अब हम देखेंगे वर्गो दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए इस हफ्ते में मे बी एट द बिगनिंग कोई थोड़ा सा झटका लग सकता है बिकॉज ऑफ विच यू आर फोर्स टू चेंज अ थिंकिंग पैटर्न और अ लाइफस्टाइल, और ये फोर्स चेंज इज एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ वर्क और बिकॉज ऑफ स्टडीज यू आर शिफ्टिंग अ न्यू सिटी इनटू अ न्यू सिटी, और यू मे बाय अ न्यू हाउस और अ न्यू कार। अगर आप में से कोई बिजनेस करना चाहता है तो किसी हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट विल बी वेरी प्रॉस्पेरस। अब जानते हैं अगली तीन राशियां लिब्रा स्कॉर्पियो सजिटेरियस के बारे में गीतिका जी महाजन से। अब हम देखते हैं लिब्रेंस दैट इज तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए आप आगे कुछ काम करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू गो अहेड, यू आर द लाइक द लाइफ ऑफ अ पार्टी, सब लोग आपको पसंद करते हैं, दे वॉन्ट टू वर्क विथ यू, बट समहाउ यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू टेक अ प्रोजेक्ट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। डेफिनेटली यू नीड टू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस ताकि आपका काम आगे बढ़ सके। दिस इज अ वेरी गुड टाइम वेर यू मे इनहेरिट अ लेगेसी और स्टार्ट अ लेगेसी। देर इज अ सीनियर पर्सन इन द फैमिली और एट वर्क हु इज गाइडिंग यू एंड अ मेंटर हु इज डिसिप्लिनिंग यू टूवर्ड्स हायर गोल्स एंड वैल्यूज ऑफ लाइफ। अगर आप इनकी बातें सुनेंगे, इन किसी मेंटर के डायरेक्शन पे चलेंगे, देन यू विल सी अ वेरी गुड ग्रोथ कमिंग अप इन योर लाइफ। ऑल्सो आपने जो भी आइडियाज या जो भी कुछ प्लान्स बनाए हैं वो सच्ची रियालिटी में कन्वर्ट भी हो जाएंगे। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए इफ यू आर इन अ बिजनेस या काम करते हैं तो अगर आप उसके फील्ड में कुछ अच्छी ट्रेनिंग या वर्कशॉप लीजिए ताकि आपके जो एनहैंस आपकी जो स्किल्स है वो इन्हांस हो जाए, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। अगर आप एक यू जस्ट लीडिंग अ नॉर्मल पर्सनल लाइफ, अगर आप कोई वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं अबाउट यू नो लाइफ स्टाइल, ईटिंग हैबिट्स और योगा एक्सेट्रा, दैट विल ऑल्सो प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल। फैमिली लाइफ में आप बहुत सक्सेस देखेंगे, यू विल सी दैट फैमिलीज आर टुगेदर वेरी हैप्पी, एवरीबडी इज वेरी प्रॉस्पेरस। अगर आप कोई फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं और क्या किसी सब्जेक्ट का डीप स्टडी करना चाहते हैं, यू विल फाइंड अ वेरी गुड मेंटर एंड इट विल ऑल्सो दैट सब्जेक्ट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन ऑफ लाइफ। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन दैट इज धनुराशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस के लिए इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस अब्रॉड और यू आर प्लानिंग टू गो आउटसाइड टू स्टडी, यू विल डेफिनेटली सेटल अब्रॉड। येस डेफिनेटली आपने बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने शोल्डर्स पे ले लिए है, इट्स अ गुड टाइम टू डेलीगेट अथॉरिटी टू पीपल और उनको अपने काम करने दीजिए ताकि आपकी एनर्जीज इन द उस मेन कार्य क्षेत्र में फोकस हो जहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यू विल ऑल्सो सी अ गुड टाइम टू गेट इन टू अ मैट्रिमोनी रिलेशनशिप एंड इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड द इंटीमेसी विथ योर पार्टनर विल ऑल्सो इम्प्रूव। तो आपने सुना नौ राशियों के बारे में हाल, अब आखिर की तीन राशियां कैप्रिकॉन एक्वेरियस पाइसेस के बारे में जानते हैं गीतिका जी महाजन से। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉन दैट इज मकर राशि वालों के लिए। फॉर द कैप्रिकॉन्स यू आर वेरी हैप्पी टू बी ऑन योर ओन। अगर आपके पास कोई ज्यादा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ना हो, यू आर कंफर्टेबल, यू जस्ट वॉन्ट सिलेक्टेड फ्यू फ्रेंड्स। इनफैक्ट आप अपने घर के एनवायरमेंट में यू आर वेरी हैप्पी टू बी नियर योर डॉग्स, योर पेट्स और योर प्लांट्स, ट्रीज एंड गार्डन्स। आप में से कोई अगर बाहर जा रहा है किसी काम के लिए टू फेच एनी बिजनेस और सम वर्क, यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। एंड ये इतना गोल्डन पीरियड है आपके लाइफ में कि आप जो भी सोचोगे वो सच होगा। सो लेट्स ट्राई टू बी वेरी पॉजिटिव एंड इवन थिंक ऑफ इम्पॉसिबल थिंग्स बट पॉजिटिव थिंग्स फॉर दिस वीक एंड यू विल बी रियली सरप्राइज कि वो एक्चुअली कैसे मैनिफेस्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं एक्वेरियंस दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियंस के लिए इट इज अ वेरी गुड टाइम टू बी डिप्लोमैटिक। यू नीड टू नो हाउ टू हैंडल योर सीनियर्स एट वर्क और इन द फैमिली लाइफ। यू विल सी दैट एक्चुअली व्हेन यू हैंडल देम विथ योर स्वीटनेस एंड योर जेंटलनेस, दे विल डू थिंग्स एग्जैक्टली द वे यू वॉन्ट। दिस इज अ टाइम एंड द लास्ट टाइम दैट यू शुड लुक एट योर पास्ट एंड मूव टू द फॉरवर्ड। जो लोगों ने आपको धोखा दिया है, दे वर नॉट वेरी गुड टू यू, दे हैव गॉन, इट्स अ पास्ट। Now live in the present and enjoy your future which is very very bright. You have many many ideas when it comes to work or doing some kind of planning work and you have many many desires. Agar aap kaise unko streamline kar sakte hain, aap you jot down all the to do list aur dekhiye ki abhi aapki availability resources kahan pe hai, what is the opportunity you have right now, start with that even if it's at number 4 position aur aap dekhoge धीरे धीरे करके आपके सारे टू डू लिस्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे।
अब हम देखते हैं पाइसिस, दैट इज मीन राशि वालों के लिए. पाइसिस के लिए यू हैव गॉट एवरीथिंग इन योर लाइफ बट येट यू आर वेरी अनहैप्पी एंड बिकॉज ऑफ दैट यू मे ऑल्सो गेट सम नेक और बैक इश्यूज. स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया जहां पे आपको नॉलेज नहीं मिल रही है कुड ऑल्सो बी द रीजन ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ सैडनेस इन योर लाइफ और टूवर्ड्स यू नो सम काइंड ऑफ लोनलीनेस. अगर आप अपने एल्डर्स की फैमिली में रिस्पेक्ट करते हैं और इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू डू दैट. एंड वेन यू गेट अ टास्क इन हैंड आपको ऐसे उसमें आगे बढ़ना है दैट डोंट आस्क एनीबडी कैन आई डू दिस. Tell yourself, I will do this, come may what for me. Like Alexander the Great, उनको पता नहीं था वो क्या discover, कैसे discover करेंगे, पर उनको ये पता था कि मैं discover करके छोड़ूंगा. मुश्किलें आई, उनको उन्होंने उसको पार कर लिया. And for him, the obstacles were actually opportunities. हम ऐसे अपने life में आगे चलेंगे तो देखोगे कि कितने success पाते हैं. हर हफ्ते की तरह इस बार guidance of the week में गीतिका जी महाजन क्या आपके लिए लेकर आए हैं, जानते हैं उन्हीं से. Now we look at the guidance of the week. Guidance of the week mein, this is a very beautiful guidance that we have. We are all lucky. You must always believe that all of you are lucky. Sab log lucky hai, isliye hum earth mein as human beings we are born. We are hearing each other, talking, we have so many experiences in life. A lot of people ask me about black magic. Agar aapko lagta hai ya kisne aapko kaha hai ki aapke upar kisne black magic kiya hai, द वेरी ईजी एंड द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक इज आप बोलो जिसने भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है मैं उसके गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस की दुआ करता हूँ, उनके सामने हाथ जोड़ता हूँ. एक्चुअली क्यों करना चाहिए ऐसे? बिकॉज जब आप किसी को ब्लेसिंग्स भेजते हैं और वो आपको नेगेटिव थाट्स भेजते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स उस नेगेटिव थाट्स को डबल करके उनके पास वापस भेजती है. इनफैक्ट आपकी ब्लेसिंग्स डबल होके आपके पास वापस आती है. सो दिस वे वी आर एक्चुअली प्रोटेक्टेड. आप देखेंगे इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस ब्लेस पीपल मूव अहेड गो विद द जेस्ट ऑफ डूइंग समथिंग न्यू इन लाइफ यू विल एक्चुअली क्रिएट अ लेगेसी फॉर योर सेल्फ और यू मे ऑल्सो बी अ लेगेसी. इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ. धन्यवाद. मिलते हैं अगले हफ्ते. तो आपने सुना गीतिका जी महाजन ने इस बार गाइडेंस ऑफ द वीक में क्या कहा है हम सबके लिए. जिस तरह से उन्होंने बताया कि हम सब लकी हैं जिन्होंने भी एज ह्यूमन इस धरती पर जन्म लिया है. तो अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करता है, जिसने भी वो ब्लैक मैजिक किया है, उसकी गुड हेल्थ और उसकी गुड फ्यूचर के लिए आप ब्लेसिंग्स करें. इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ. कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद. और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए.